हाँ तो क्यों पूछ रही थी फिर, जब का दूसरा ही काटना है तो। ये बाबू राय का स्टाइल है। तेरी रोटी पीली क्यों भाई? क्योंकि मैं पीली हूँ ना। कल भी मैं घुमाने ले गई थी झूले में। भाई जो गलती मैंने करी है आप लोग कभी मत करना। आगे मेरी चाय, ये पकोड़े। लेने वाले। So, hey guys, good morning, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे 8। मुझे एक्चुअल में ना अपनी बाइक की सर्विस करानी है, तो मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। कौन सी जगह जा रहे हो? हम जा रहे हैं पड़पड़गंज। पड़पड़गंज या मेरठ, दोनों में से एक ही जगह। नोएडा वाला बंद हो गया है। यहाँ पे भिंडी रोटी, भिंडी रोटी और चाय। चाय तो एक बनेगी ना, या बन गई? नहीं, चाय ये चला के ना। अपन लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको। सो ये रही हमारी बन के तैयार, और ये मेरी बीवी तैयार। तो नहा धो के बिना नहाई सी लगती है बहन दे। अभी नहाई का जो आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, ये है भिंडी रोटी एंड चाय। एक्चुअली मैं ज़्यादा सब्जियां खाता हूँ नहीं, कुछ गिनी चुनी है जिनको मैं खाता हूँ, जैसे भिंडी होगी, कटहल हो गया, या फिर बैगन का भरता टाइप। दाल तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, बट सब्जियां नहीं खाई जाती मेरे से। शुरू से आदत नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरी रोटी वाइट है, तेरी रोटी पीली क्यों भाई? क्या? अरे मैंने पूरी बनाई थी कल, उसका वो था क्या आटा तो मैंने अपने। अच्छा, वो भरी हुई जो पूरी होती है वो बनाई थी क्या? उसमें हल्दी है ना। मैं फ्रेश आटा ली। ओके, तो मैं फ्रेश आटा दे दी। मैं चल कितने अच्छे हो। सो गाइस, अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट। और तो मैं पहले बाइक की बुकलेट ढूंढ लूँ, जो सर्विस बुकलेट होती है। वो घर में होगी? घर से मैं ले आया था यार। बुकलेट मिल चुकी है, ये रही बाइक की चाबी। तो अपन लोग अब चलते हैं। चल लॉक लगा दे। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है, उसकी भी एक्चुअल माँ छुट्टी है, तो मैंने कहा चल उसको पहले घड़ोली से पिक करेंगे फिर चलेंगे। तुम लेके आओगे बाइक? हाँ मैं लेट ही आऊँगा, शाम तक ही आऊँगा। नहीं बाइक वही छोड़ के आऊँगा। नहीं लेके आऊँगा साथ में, शाम तक ही आऊँगा। खाना दिन का वही खाओगे? देख लेंगे, बाहर ही खा लेंगे दिन का। बाय बाय। चार्ज है फोन में? हाँ हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं हम आपको हम आगे, तब तक के लिए बाय। हमारी बाइक सर्विस। टूटे हुए आशिक, दिल टूटा हुआ आशिक, सदमे में। क्या देख रहा तू फोन में? जब ही सर्विस होने में 1-1.5 घंटा लगेगा। महीना? 1-1.5 घंटा बोला है मैंने, समझ गया। 1-1.5 घंटा लगेगा बोला ना कि महीना। टीवी भी नहीं कह रहे हैं? है तो सही, टीवी देखेगा। चल तो ये कार्टून कार्टून लगा ले कार्टून। ये तेरे अपनी बहनों डल्ला अपना इंजनर मोटूल हाईटेक। ये हो चुका है एयर फिल्टर खराब। सो गाइस फिलहाल सर्विस हो चुकी है डन, और अब हमारी बाइक हो रही है वॉश। तो वॉश करके बिलिंग वगैरह कर चुके हैं, अब हम सीधे निकलेंगे घर। भूख भी लग रही है, लंच का टाइम भी वैसे हो ही चुका है। तो ये हो रही है वॉश। ये देखो भाई क्या जुगाड़ है इनका, ये अंदर से पानी भर के फिर ये एयर प्रेशर से फिर ऐसे धुलाई होती है। ठीक है, 3 लाख रुपए लगाओ फिर ये सर्विसिंग की। ये देखो इसमें बालू भर के लाएगा, छेद करेगा, फिर एयर प्रेशर इससे मारेगा। अरे पड़पड़गंज में जा रहा था शोरूम सर्विस सेंटर, वहाँ का हाल है। कैसे साफ हो गया? बोतल से पेट्रोल डालना है और एयर पाइप से साफ करना है।
क्या सर्विस है भाई, जावा की बात एयर प्रेशर से बाइक बनाई जाती है, एयर प्रेशर से। भाई जो गलती मैंने करी है आप लोग कभी मत करना, जावा यजदी किसी भी कंपनी की बाइक लेने से पहले 100 बार सोच लेना, बहुत ही बकवास सर्विस है इन लोगों की। और दूसरा, इस बाइक में एक नहीं हर सबकी बाइकों में प्रॉब्लम है, या तो कोई जिसके पास पहले हो बाइक वो देख लेना और उससे फीडबैक ले लेना पहले, किसी भी मतलब जावा या एसडी की कोई सी बाइक लोगे उसका फीडबैक ले लेना, हमेशा आपको मना कर देगा कि इस कंपनी की बाइक मत लो। आज फिलहाल हमारी बाइक हो चुकी है सर्विस, हम जा रहे हैं घर और इसको खोल लीजिए। तो अभी चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपको आगे, इसको भी छोड़ना है। आ गया, इसको भी घर छोड़ना है इसके फिर। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं घर और मैं भी आ गई घर और ये भी आ गए हैं घर। टीवी मार गए थे, क्या खा रही क्या खा रहा है। ये गए थे वीमार्ट शॉपिंग करने, शॉपिंग करके आ चुके हैं ये लोग भी। अमरूद खा रहा है, हैं ये लाया ना, ये क्या है कुशन हा? क्या हूँ क्या मैं तो कर रहे हैं तो ठीक है ना, अपने को क्या तुम भी बैठोगे यार। तन्नू क्या खा ला है, क्या खा ला है अमरूद? गुस्सा देखो इसका गुस्सा दिखा दे मम्मी, गुस्सा दिखा। सारा बहुत बढ़िया, घूसा नहीं बोला बेटा मैंने, गुस्सा बोला, गुस्सा। उसने गुस्से की जगह घूसा सुन लिया। अच्छा डॉगी कैसे करता बता दे, डॉगी है भू भू, कौवा काका, बिल्ली कैसे म्याऊ, अब बंदर बिल्ली का गला बैठा है, बंदर कैसे करता है, कैसे करता बंदर मच्छर मार दे एक बार मच्छर मार मर गया बहुत समझदार है हमारी लड़की। बस बस हो गया ना, है हाँ पानी पीऊंगा, कोई बाहर से आएगा तो पानी नहीं पिएगा। अमरूद नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा भाई, फिर भी नहीं खा रहा, रख दे चल खा लूंगा एक पीस, काट दूंगा दूसरा। हाँ तो क्यों पूछ रही थी फिर, जब का दूसरा ही काटना है तो ये बाबू आएगा स्टाइल है। हाँ डांस कर रहे ढिंकी टिक्की क्या है, अच्छा मैं भी करूँ साथ में? नहीं ये ना अकेले डांस कभी नहीं करती है, बिल्कुल डांस नहीं कर रहा है एक सेकंड भी। जब तक मैं इसके साथ डांस ना करूं ये डांस नहीं करती अकेले, सिर्फ के भी साथ में सिर्फ पापा क्या है इसको? पापा की लाड है वो, है ना, है ना। क्या खा रहा है, खा ले मोए। केला कहाँ है, केला कहाँ है, कहाँ है, खा फिर उसे खा। फेंक दिया, ये देखो कुशन नीचे उठा के फेंकेगी अभी, ये शाबाश। पकोड़े
पालक के पकोड़े और ये चटनी। कन्नु खाएगी चटनी पकोड़े का है? खाएगी पकोड़े खाएगी? क्या कर रही है? ये देखो फाइव गरम है क्या? हाँ यार गरम चाय बना ले। चाय चाय रखिए। चाय खाएगी कन्नु? ये क्या मट्टी? टैग भी नहीं तोड़ रहे। ये लो खाओ, ये लो डाल ले अपने पर्स में। हाँ बहुत बढ़िया। पापा की खास में पापा की जेब से निकालने का, मम्मी में डालने का। ठीक है बड़ा है कौन सा नोट बड़ा है? बुद्धा। बुद्धा बड़ा लाओ मेरे को दे दो एक। दे दे। शॉपिंग करने जा रही हो हैं? है क्या वो? पता नहीं कौन सी भाषा में बोलती है। ये आगे मेरी चाय, ये पकोड़े। अपन लोग करते हैं चाय पकोड़े एंजॉय। देखो ये मेरे पर्स के साथ क्या कर रही है। चूहे की तरह मिठाइयां खा रही है। ज्योति इसने देखी क्या कर दिया? बोल दो जी पैसे फैला दे इसने तो सारे। कुंडी फाड़ेगी कागज देखो। रह गया देख लो कुछ और रह गया उसमें। दो चार रुपए पड़े हो कहीं है? हाँ इन्हें भी निकाल लो बेटा निकाल। और यहाँ हो रही है इसके रात के खाने की तैयारी। क्या बना रही है? कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा चावल। चावल कुछ और खाने का मन है? नहीं ये प्याज काटना मुझे सबसे बुरा लगा। मैं खाना बना लूं कोई प्याज काट के दे दे। कटहल की बिरयानी बना ले। तो गाइस आज का दिन का खाना कौन बना रहा है देखो। क्या बना रहे हो? पकोड़े। पकोड़े प्याज के? प्याज के हैं, आलू के हैं, कड़ी बनेगी। कड़ी कड़ी भी तुम बनाने वाले हो क्या? हाँ कड़ी मैं ही बनाने वाली हूँ। पकोड़े बना रहे इसके पापा। बड़े सारा क्रेडिट खुद लेने वाले। पकोड़े बनाना कोई आसान काम है? और क्या तलना पड़ता है फिर? और क्या करना पड़ता है? पहले बेसन भूनना पड़ता है, फिर उसमें मसालों की मात्रा देखनी पड़ती है, फ्राई करने पड़ते हैं। अच्छा फ्राई भी कितने पेशेंस के साथ ना? अरे ये रहो इसको देखते रहो घूरते रहो ऐसे। मुझे भी घूरते रहा करो तो मैं भी बन जाऊंगी फिर। अच्छा। कुछ ना कुछ तो बनी जाऊंगी। पहले से ही पकौड़े जैसी है। तुम्हारी नाक है पकौड़े जैसी। ये देखो कितनी पकौड़े जैसी नाक है, मोटी सी तली थी क्या? बेसन ज्यादा कर दिया लग रहा है, मोटी लेयर हो गई है। गुन्नू भाई सो रही है तब जाके यहाँ पे काम हो रहा है। गुन्नू परेशान कर रही थी क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया। इस समय ना या तो सोने का टाइम हो जाता है उससे या फिर घूमने का टाइम हो जाता है, बाहर झूला झूलने का टाइम हो जाता है। तो इस समय तो चिड़चिड़ी हुई रहती है। कुछ भी कर लो, या तो उसे सुला दो या तो घुमाने ले जाओ, दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो हमने चूज किया अभी घूमने आने का टाइम नहीं है, वैसे भी ठंड हो गई। तो अभी हम सोचे शाम के टाइम पर अवॉइड ही करें घुमाना। एक टाइम दिन में धूप में मैं घुमा देती हूँ उसको। आज भी गई थी वो मार्केट मेरे साथ, कल भी मैं घुमाने ले गई थी झूले में। ये बन के बनी नहीं हो रही है हमारी कड़ी। अभी इसमें मिर्च डाली है क्योंकि गुन्नू के लिए निकलेगी। अरे तुम उल्टे काम क्यों करते हो ना हमारे बस के लिए? ये एक औरत का ही हाथ होता है जो गर्म सामान उठा सकती है। बस रहने दे सच में क्या ना आदत हो जाती है ना इसलिए। अभी सो के उठे गुस्से में, बहुत गुस्से में। गुन्नू की चीज ना खा रहे हो? गुन्नू मम्मी को मोटा कर देना चाहती है। कैसे कैसे कर दे? करियो फूक मार दे। ओ गरम है। ओ गरम है ना। अभी से ना मिर्च भी डालेंगे, मतलब लाल वाली। तो ये तो छौंका लगा ऐसी लाल मिर्ची ना। अभी मैंने मसाले कम डाले, गुन्नू के लिए निकलेगी तब मसाले जाएंगे इसमें। ओके ओके।